आ जाओ साइड से एकदम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन विद तौसीफ। तो फ्रेंड्स, भी जल्दबाजी में हमें अचानक से हॉस्पिटल आना पड़ा होली फैमिली, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत तो इनकी काफ़ी टाइम से ख़राब थी। आपको इससे पहले भी हमने एक ब्लॉग में आपसे शेयर किया था, पर सही से कुछ पता नहीं चल पा रहा था और तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण फिर अचानक से हमें होली फैमिली आना पड़ा। अभी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर का वेट करेंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान जो जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है ना, वो अपनी ही जिम्मेदारी निभाना भूल जाता है। कहते हैं ना, ये जो ज़िंदगी की कहानी है, हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ अपनी नादानी है। और इनकी भी गलती थी, इनकी ये गलती थी ना कि इन्होंने कभी अब खुद पर ध्यान नहीं दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हो रही है, अगर सर में पेन हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो रहा है, इधर उधर से मेडिसिन ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाता है, नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, आफ्टर पेमेंट हम डॉक्टर का वेट करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, भले से आप खुद हो या घर का कोई भी और फैमिली मेम्बर, आप लोग प्लीज़ छोटी सी छोटी चीज़ में, यार थोड़ा सा पैसा लगता है, पर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। चाहे इनकी तबीयत कितनी भी ख़राब रहे, पर ये जैसे मूड के बंदे हैं ना, ये हमेशा ही इनका मूड अच्छा ही रहता है और बहुत मजाकिया वाला हर वक्त रहता है। अभी भी देखिए, ये इन्होंने अपना वेट किया और इनका वेट होने के बाद मैंने भी अपना वेट किया था। और देखिए, जो मैंने अपना वेट किया वो तो मैं नॉर्मल सी बात है, मैं क्लिप कट करूँगी यार। ये इसी बात पे हंस रहे हैं कि तुमने अपना क्यों कट किया, क्यों नहीं दिखाया। अच्छा, वो हम लोग टाइम से आए हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाता है तो फिर डॉक्टर नहीं देखते हैं। अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं और लगभग हम आकर के जितना भी हमारा चेकअप से पहले के जो भी काम होते हैं वो सब हो चुके हैं। अब यहाँ पे बैठे, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं क्या बोलेगा, होता है टेंशन तो, कि जिस तरीके का इन्हें पेन हुआ था उसके बाद हम यहाँ आए हैं तो नॉर्मल सी बात है। पर डोंट वरी, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। पर एक बात है, जब भी हॉस्पिटल देखती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे एक बात याद आ जाती है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जब मैं स्टडी कर रही थी और जिस हॉस्टल में हम लोग रह रहे थे, तो वहाँ जब भी कोई बीमार पड़ता था ना, तो एक नियर बाई में एक हॉस्पिटल था, नाम तो मुझे याद नहीं, हमें वहीं दिखाया जाता था। तो अब जब हम बीमार पड़ते थे ना, तभी लंबी छुट्टी भी मिलती थी। और ऐसी, क्योंकि हमारा कॉलेज इतना ही बुरा था ना, क्योंकि वो लोग फिर ऐसी छुट्टी ही नहीं देते कुछ भी हो जाए। और फिर हमने ना एक दिन प्लान किया था अपने हम अपनी फ्रेंड्स ग्रुप में कि नहीं, हमें इस दिन पार्टी करनी है। तो अब भाई छुट्टी तो सबको एक साथ नहीं मिल सकती ना, हॉस्टल वाली लड़कियों पे तो ज़्यादा ही निगरानी रखी जाती है। तो फिर क्या करें, तो हमने वहाँ के जो उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर राहुल थे, अब वो बेचारा बंदा, जो भी डॉक्टर राहुल थे बहुत अच्छे, उन्हें हम बेवकूफ बनाते थे कि भाई हमारी ना मेडिकल रिपोर्ट बना दीजिए और हम कॉलेज से छुट्टी ले लेते थे। उन्होंने हमारी बहुत बार हेल्प भी की है, उन्हीं की वजह से हमने अपनी कॉलेज डेज इंजॉय कर पाए हैं। और अभी देखिए, फाइनली हम डॉक्टर को दिखा चुके हैं और यहाँ पे दवाई के लिए आ गए। डॉक्टर ने हमें अभी कुछ बोला तो नहीं है, उन्होंने बस इतना बताया है कि कुछ दवाई मेडिसिन लिख के दी है कि ये ले लीजिए, और कुछ टेस्ट के लिए बोला है। और जितना हो सके मैं इन्हें चेयर अप करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इनका मूड एकदम ठीक रहे। डॉक्टर ने बोला है कि हमें दोबारा जाना पड़ेगा वो सारे टेस्ट करवाने के बाद। एक एक्सरे है, एक PFT टेस्ट है, और ये दोनों टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद ही डॉक्टर कुछ भी बोलेंगे। तो अभी हम फर्स्ट नहीं, सेकंड फ्लोर पे आए हैं PFT का पता करने कि हाँ कब तक रिपोर्ट मिल जाएगा, किस टाइम आके टेस्ट करवाना है। और ये अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि भाई डॉक्टर ने क्या क्या मेडिसिन दी है, कैसे इन्हें ये लग रहा है ना कि भाई डॉक्टर इतनी मोटी बुक दिया है, क्या कितनी बार बुलाना चाहते हैं वो डॉक्टर मुझे। तो अभी हम ऊपर की तरफ लिफ्ट से जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, और जो भी एक्सरे है, PFT है, ये सब का पता कर लेंगे ताकि दोबारा जब हम आएँ
ज़्यादा परेशानी नहीं हो और डायरेक्ट वहाँ जा कर के सारे टेस्ट करवा लें। और जो भी मान लो ये बात की है, कितना भी बीमार रह जाए इनका जो मूड है वो नहीं चेंज होता है। पता है मुझे कह रहे हैं तुमने वो हॉलीवुड मूवी देखी है ना कि अगर हम लिफ्ट के अंदर जाए फिर लिफ्ट ऐसी हॉरर जगह पे खोलेगी, ये वो डरा रहे हैं ताकि मैं डर जाऊँ। इन्हें पता ही नहीं है कि मैं नहीं डरती। डरती हूँ जब ऐसी मूवीज़ देखती हूँ बस तभी डरती हूँ, ऐसे थोड़ी ना डरती हूँ, ऐसे एकदम नहीं डरती हूँ। पता है फ्रेंड्स, डर कहीं नहीं होता है, डर आपके अंदर होता है। क्या होता है ना कि जब आप डर फील करोगे ना तो आपको हर एक तरह की आवाज़ आएगी। हवा चलने की भी आवाज़ आएगी, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आएगी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आएगी, नल से पानी टपकने तक की आवाज़ आएगी, और ये घड़ी की सुई तक की आवाज़ आएगी। मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ भाई ऐसा हो चुका है। जब मैं अपनी फूफी के घर पे अकेली थी तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि आवाज़ आ रही है, कहाँ हॉल में घड़ी है और आवाज़ रूम में आ रही है। मैं तो जाके बालकनी में खड़ी हो गई कि कम से कम कोई और इंसान तो दिखेगा तो थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल फील होगा। मतलब बस कभी कभी डरती हूँ, हम हर वक्त नहीं डरती। और अभी ने सब चीज़ ले लिया है, दवाई वगैरह ले ली, सब कुछ पता कर लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं। निकलते वक्त ये छोटा सा बुक स्टोर हमें दिखा यहाँ होली फैमिली हॉस्पिटल में, और ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। पर आज चूँकि मूड उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, इनकी तबीयत अगर सही रहती है तो मेरा मूड आप लोग जानते ही है कि हम लोग कुछ खाते पीते घूमते फिरते जाते, पर ऐसा मूड नहीं था इसलिए हम हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर।